नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जियो 5G के बारे में और एयरटेल 5G के बारे में, और कौन सबसे ज्यादा अच्छी आपको 5G स्पीड देने वाला है, कौन सबसे ज्यादा अच्छे आपको 5G सर्विस देने वाला है। क्योंकि दोस्तों, एक अनाउंसमेंट के बाद एयरटेल के CEO ने एक अनाउंसमेंट की कि हम तब अपना एयरटेल 5G जो है इंडिया में पूरी तरीके से मार्च 2024 तक लेके आ पाएंगे। डैट मीन्स ये है कि अभी 2 साल तक का उन्होंने टाइम मांग लिया। क्यों मांग लिया वो भी आपको बताएंगे। और दोस्तों, क्यों अभी प्रॉपर तरीके से जियो 5G इंडिया में नहीं मतलब लोगों को डिलीवर कर पाया, लेकिन क्यों 6G पे उन्होंने अभी से एडवांस वर्क करना शुरू कर दिया है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं सारे कस्टमर्स को इफेक्ट भी डालेंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे कस्टमर्स को फायदा होगा या नुकसान वो भी इसी वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एक लाइक से डिसाइड होता है कि इस चैनल पे वीडियो किस हिसाब से और आपके लिए डिजाइन की जाए। चलिए दोस्तों, वापस आते हैं टॉपिक पे, क्योंकि सबसे पहले अनाउंसमेंट किस हिसाब से हुई और सब कुछ समझेंगे क्यों जियो और एयरटेल की टक्कर होना स्टार्ट हुई। सबसे पहले एयरटेल ने अनाउंसमेंट की कि हम अगस्त में अपना एयरटेल 5G लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, लिमिटेड नंबर्स ऑफ सिटी 12 से 15 सिटियों के बीच में। फिर जियो की तरफ से अनाउंसमेंट आई कि जियो ने कहा कि हम 15 अगस्त को इंडिया में अपना 5G रोल आउट कर रहे हैं, मतलब आजादी के अमृत महोत्सव पे, जो कि दोस्तों एक लाइक इसके लिए भी बनता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बात की जाए तो उन्होंने भी ये नहीं कहा कि हम 13 सिटी में लॉन्च कर रहे हैं या ऑल इंडिया लॉन्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, वहां पे जो ये कहा गया सिर्फ कि हम लॉन्च कर रहे हैं, फिर जो वही एक्सपेक्टेशन की 13 सिटी 15 सिटी इस तरीके से चल रही थी, तो लोगों ने यही समझा कि हाँ 10-12 सिटियों में ये भी लॉन्च कर रहे हैं, जो कि मेन मेजर सिटी है। फिर आती है इंफॉर्मेशन 10 अगस्त को जियो की तरफ से कि जियो ने 1000 सिटी में अपना 5G ट्रायल ले लिया, जिसमें अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग, अपलोडिंग स्पीड जो रही दोस्तों 412 Mbps के करीब रही, और डाउनलोडिंग स्पीड रही वो 480 Mbps के करीब रही। अब दोस्तों, यहाँ पे पूरी डिटेल में ऑलरेडी वीडियो में दे चुका हूँ क्यों 480 रही, तो दोस्तों आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, और इस वीडियो को भी देखिएगा दोस्तों, ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एयरटेल ने फर्स्ट अनाउंसमेंट की थी तो किस हिसाब से की थी उसकी वीडियो ये आ रही है, फिर जियो की जो अनाउंसमेंट आई थी किस हिसाब से, आपको 3-4 वीडियो लगातार देखने के लिए मिल जाएंगी, वो मेरे इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इस वीडियो के बाद जरूर देखिएगा, आप तभी इस पूरे मैटर को समझ पाएंगे क्या कस्टमर्स को फायदा होने वाला है या लॉस होने वाला है। जैसे कि दोस्तों बात करें, क्योंकि 6G का नाम लिया मैंने, तो दोस्तों उसके बारे में भी डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे वर्क कर रहा है जियो यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू इन फाइनलैंड में, 6G पे वर्क चल रहा है, जो कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट 6G रिसर्च प्रोग्रामिंग इन दी वर्ल्ड है, मतलब पहली बार 6G पे जो काम चल रहा है फाइनलैंड पे चल रहा है, जिसके साथ जियो वर्क कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं आपके फायदे के लिए या अपने फायदे के लिए कर रहा है, क्योंकि वहां पे वो रिसर्च कंप्लीट हो जाती है, तो फिर कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में 6G बैंड, क्योंकि अभी जो बैंड यूज किए जा रहे हैं, स्पेक्ट्रम यूज किए जा रहे हैं, वो किए जा रहे हैं नोकिया के किए जा रहे हैं, सैमसंग के किए जा रहे हैं, और दोस्तों इरेजन है तो उसके भी बैंड यूज किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो टेक्नोलॉजी है तब इन्हीं कंपनियों के पास होगी, तो ये अपने ही बैंड अपने ही स्पेक्ट्रम ऑल वर्ल्ड बेचने की तैयारी। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि इंडिया के लिए ये ऑल वर्ल्ड की तैयारी चल रही है। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, और दोस्तों जो एयरटेल के सीईओ ने कहा, उन्होंने कहा कि हम मार्च 2024 तक अपनी 5G सर्विस ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों उन्होंने 2 साल का टाइम ले लिया। फिर कहीं ना कहीं जो एयरटेल यूजर्स थे उनके दिल में एक धारणा पैदा हुई, क्या यार हमें जियो की तरफ मूव कर जाना चाहिए, हमें 5G चलाना है। तो फिर दोस्तों उन्होंने एक ये भी कहा स्टेटमेंट में कि अभी जैसे कि इंडिया में बात करें तो मेजर जो ज्यादातर सिटियों में चलता है वो 5000 ऐसी सिटी है जिसमें हम 4G अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और कर चुके हैं, लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम ये कह दें कि हमने 500-600 सिटी के बाद हम कह दें कि हमने पूरी इंडिया में 5G दे दिया, तो वो एक स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि जियो ने भी यही कहा है कि हमने 1000 सिटी के अंदर सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया, लेकिन ये नहीं कहा कि 4000 सिटी जो बची हैं उनके अंदर कितना प्रोग्रेस वर्क हो गया है, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट शो ऑफ नहीं की है, बस ये एक बलबरी बात आई है कि हमने 1000 सिटियों में अपना 5G ट्रायल कर लिया, लेकिन क्या आपने वही बैंड वही सब कुछ आप उन 4000 सिटियों तक पहुंचा पाए हैं मटेरियल, या कितना टाइम लग जाएगा, तो वो एक अनाउंसमेंट नहीं आती। तो कहीं ना कहीं
जियो का भी हम ये नहीं कह सकते कि ऑल इंडिया डिस्ट्रीब्यूट वो 2022 तक ही कंप्लीट कर देगा, उसे भी 22 मतलब 23 या 24 लग ही जाएगा टाइम। तो हम ये नहीं कह सकते कि एयरटेल पीछे रह जाएगा या जियो पीछे रह जाएगा, जो हम कहें कि टक्कर जो है बिल्कुल बराबरी की है। लेकिन ये जो 1000 सिटी का अनाउंसमेंट किया है वो दोस्तों ऐसे टाइम पे किया है क्योंकि यहाँ पे एयरटेल ने वो जियो की तरफ से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वो जियो 5G अपना 15 अगस्त पे लॉन्च करेंगे, और शायद ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि वो 1000 सिटियों में नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आप 5G सेवाओं का आनंद ले पाएंगे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत भारी जो झटका लगेगा वो लगेगा एयरटेल 5G को। अब बात करें क्या एयरटेल इतना पीछे रह गया, क्योंकि पता तो था कि 5G आने वाला है तो नेटवर्किंग पे काम करना शुरू कर देना चाहिए था। ऑलरेडी टावर पे बहुत ज़्यादा टाइम था, 2020 से सुनते हुए आ रहे हैं कि अब आने वाला है अब आने वाला है, तो एयरटेल क्यों पीछे रह गया। तो दोस्तों इंडिया में फ्रिक्वेंसी किस हिसाब से, इसलिए मैं कह रहा था आप मेरी पीछे वाली वीडियो देखेंगे, इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा आप समझ जाएंगे कौन सी फ्रिक्वेंसी बैंड या स्पेक्ट्रम एयरटेल ने खरीदे जियो ने खरीदे। जैसे कि दोस्तों जियो को ऑलरेडी मालूम था 5G तो हम लेके आने वाले हैं, तो उन्होंने बहुत पहले से मतलब 1-1.5 साल पहले से अपना वर्क शुरू कर दिया था टावरों पे। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम थी फ्रिक्वेंसी बैंड। क्या जियो ने ऑलरेडी सोच रखा था कि हम 700 1300 2500 2300 26 GHz के बैंड इस्तेमाल ही करेंगे, कितनी भी कॉस्ट पे मिले किसी भी प्राइस पे मिले डजंट मैटर, लेकिन हम अपना इंस्टॉलेशन टावरों पे पूरा कर देते हैं। जैसे ही 5G लॉन्च होगा तो हम सीधे जैसे ही 12 अगस्त से डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाएगा मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए हैं नेटवर्क फ्रिक्वेंसी बैंड, अब जो है 12 अगस्त को क्लियरेंस हो जाएगा आईटी मिनिस्ट्री के तरफ से बात की जाए, और उसके बाद हर कोई कंपनी एबल होगी इंडिया में लोगों को 5G देने के लिए। अब यही काम एयरटेल ने क्यों नहीं करा, क्योंकि दोस्तों फिर आता है कि एक कितना भी अमाउंट नहीं दे सकते, उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट था जो कि वो 5G पे खर्च कर सकते थे, लेकिन जियो ने आंखें बंद करके वर्क किया है इस चीज पे कि उन्होंने पहले से प्री डिसाइड था कि हमें यही फ्रिक्वेंसी चाहिए, वो किसी भी प्राइस सेगमेंट पे मिले डजंट मैटर, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट रोल था कि तभी आप इंडिया में फर्स्ट 5G लोगों तक पहुंचा पाएंगे, लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, तब आप किसी भी अमाउंट पे कोई भी बैंड फ्रिक्वेंसी खरीद सके। इसलिए कहीं ना कहीं एयरटेल बहुत ज्यादा पिछड़ता हुआ जा रहा है। अब उन्होंने जो अपनी फ्रिक्वेंसी बैंड है अब उस हिसाब से वो स्पेक्ट्रम बैंड खरीदेंगे मार्केट से, अब वो इंस्टॉलेशन के लिए भेजेंगे। इसलिए मार्च 2024 तक उन्होंने अपना मतलब एस्टिमेट रख दिया कि हम 2024 तक अपना 5G रोल आउट कर पाएंगे ऑल इंडिया। लेकिन जियो इस मामले में बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन लगाए सिटी में ट्रायल ले चुका है, जो प्रॉब्लम है वो जियो को ऑलरेडी मालूम चल जाएगी कि हाँ किस तरीके की प्रॉब्लम फेस हो रही है, वो और स्ट्रांग तरीके से वर्क कर पाएगा। लेकिन एयरटेल जो मतलब बात की जाए सिटियों में पहुंचाएगा नेटवर्क को, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यही कुछ चीज़ें थी दोस्तों कि कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे जो प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि टक्कर तो दोनों की रहेगी, एयरटेल कमज़ोर रहेगा तो वो अपने रिचार्ज प्लान कम रखेगा या फ्री देता रहेगा तब तक, लेकिन जियो को कहीं ना कहीं अटकलें इसलिए आ सकती हैं तब वो अपना वर्क पूरा कर लेगा, तो वो कहीं ना कहीं आपसे कस्टमर से पैसे लेने के लिए अट्रैक्ट करेगा, और वही चीज़ कहीं ना कहीं कस्टमर्स को फ़ायदे के लिए सौदा होगी। और एंड ऑफ द डे के तो फायदा जो है तब तक प्रॉपर दोनों या VIP कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर ही लेगी 5G के मामले में, तो तब तक प्रॉपर तीनों कंपनियों का 5G इंडिया में आने जाता तब तक कस्टमर्स को ही फायदा होने वाला है। तो दोस्तों आप बिल्कुल रेडी रहिए 5G के लिए, क्योंकि 4G से ज़्यादा बेहतर होगा, सस्ते प्लान होंगे और आपको अनलिमिटेड डेटा भी मिलेगा इसमें, उम्मीद तो यही लगाई जा रही है। बाकी तो डिपेंड करता है कि शुरू में रिचार्ज तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएंगे, 3 या 6 महीने तक तो आपको एक्सपेक्टेड कीजिए कि आपको फ्री रिचार्ज देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।